गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू लाइफ प्रोसेसेस, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन केस ऑफ ह्यूमन। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज many types of useful and harmful substance form inside our body, but a useful substance utilized inside our body in different body work, but a harmful or toxic substance excrete out from our body with the help of specific organs. These organs are also known as excretory organ, and this function are also known as excretion. Or another definition related to excretion, a harmful product formed inside our body and finally excreted outside our body with the help of specific organs are called excretion, and this function is also known as excretion. Then describe which organ responsible for done the excretory function inside the human body. Three important excretory organ present inside our body are also known as sweat gland, rectal gland and kidney. Sweat gland and rectal gland are the minor excretory organ, but kidney is the major excretory site in human body. Then broadly describe the function of kidney inside the human body, how to done the excretory function with the help of kidney. What will happen during the time of excretion in kidney? Ab kidney ke एक्सक्रीटरी फंक्शन को हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे किडनी एक्सक्रीशन में अपना रोल प्ले करती है। देन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सक्रीशन इम्प्योर ब्लड कैरी विद द हेल्प ऑफ रीनल आर्टरी एंड फाइनली दिस इम्प्योर ब्लड डंप इनसाइड द किडनी विद द हेल्प ऑफ द ब्रांचेस of renal artery joined with the help of the branches of renal artery both left and right kidney and accept impure blood. After enter the impure blood inside the kidney, how to impure blood filter inside the kidney? What is the anatomical structure of kidney? We all know inside each human kidney millions of nephrons present. These millions of nephrons responsible for the filtration of blood inside our kidney. कहने का मतलब renal artery impure blood ले आती है और kidney के अंदर उसको छोड़ती है। लेकिन किडनी के अंदर छोड़ने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि किडनी के अंदर क्या ऐसा है जिससे वह इम्प्योरिटी को अवशोषित कर लेती है और प्योर ब्लड से बाहर निकाल देती है। तो उस इम्प्योरिटी को अलग करने के लिए इस किडनी के अंदर टीनी पार्ट्स होते हैं। उस टीनी पार्ट से आर्गन को हम कहते हैं नेफ्रॉन, और इस नेफ्रॉन्स की संख्या हर एक किडनी में लाखों में होती है, और इन
नेफ्रॉन से होकर के वो इम्प्योर ब्लड पास होता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिल्ट्रेशन द ब्लड पास थ्रू कैपिलरी एंड फाइनली क्लोज कॉन्टैक्ट विद ग्लोमेरुलस फिल्टर एंड ग्लोमेरुलस फिल्टर एब्जॉर्ब ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड कैपिलरी लाइक यूरिया क्रिएटिनिन ग्लूकोज वाटर साल्ट एटसेट्रा। ये जितने भी सब्सटेंस का नाम लिया गया है सारे सब्सटेंस को बाउमेंस कैप्सूल जो नेफ्रॉन का एंटीरियर पार्ट होता है अग्रसिरा होता है जो उसके एब्जॉर्प्शन में अपना रोल प्ले करता है बट नॉट अ आइडियल पैरामीटर ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय द ग्लोमेरुलस फिल्टर। कोई उसका आइडियल पैरामीटर नहीं है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में रोल प्ले कर रहा है तो इतने अमाउंट में यूरिया को एब्जॉर्ब करेगा, इतने अमाउंट में ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा, इतने अमाउंट में वाटर, वह अनिश्चित क्वांटिटी में सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो टॉक्सिक होती हैं, वो अधिक भी एब्जॉर्ब हो गई तो हमारे हेल्थ के ऊपर उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ग्लूकोज है, वाटर है, अगर इसका एक्सेस एब्जॉर्प्शन हो गया तो उसका हमारे बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। तो अब उसको मेंटेन करने के लिए आफ्टर कंप्लीट द एब्जॉर्प्शन इनसाइड द ग्लोमेरुलस फिल्टर बोथ एब्जॉर्ब सबस्टेंस एंड प्योरिफाइड ब्लड रन पैरेलली विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स एंड आर्ट्रियल कैपिलरी एंड फाइनली आफ्टर एक्सक्रीशन ऑफ फॉर्म यूरिन विद द हेल्प ऑफ यूरेटर एंड फिल्टर्ड ब्लड डंप इनसाइड द रीनल वेन विद द हेल्प ऑफ रीनल कैपिलरीज टू और थ्री टाइम एक्टिवली एंड पैसिवली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी टू रीनल ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स और फ्रॉम नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स टू ब्लड कैपिलरी एंड फाइनली मेंटेन द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज इनसाइड द ब्लड कैपिलरी आफ्टर बैलेंस द लेवल ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर इनसाइड द ब्लड फाइनली excreta dump inside the urinary bladder with the help of ureter and pure blood finally dump inside the renal vein and with the help of renal vein these purified blood dumped inside the left right auricle after filtration the excretory product dump inside the urinary bladder and after complete the excretory function these deposited excreta inside the urinary bladder finally excrete out from the body of human with the help of urethra. This is all about the function of the excretion. Then describe the structure of the excretory organ. In excretory organ the major site two left and right kidney and also participate renal artery and renal vein, ureter, urinary bladder and urethra. Then what is the role of renal artery? Renal artery carry इम्प्योर ब्लड। रीनल आर्टरी क्या करता है? इम्प्योर ब्लड को अपने साथ लेकर के आती है और डंप इनसाइड द किडनी और उसको कहां छोड़ती है? किडनी में। रीनल वेन क्या करती है?
after complete the filtration inside the kidney, pure blood carry with the help of renal vein and finally dump inside the राइट ऑरिकल। कहां ले जाके छोड़ती है? अब यहां पर आपके दिमाग में आएगा प्योर इम्प्योर ऑक्सीजनेटेड डी ऑक्सीजनेटेड, मेजर डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर एंड ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी इनसाइड द पल्मोनरी वेन एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी इनसाइड द पल्मोनरी आर्टरी। Both are connected with lung. वह दोनों कहां से जुड़े हैं? Lung से। Oxygenated का मतलब जिस blood amount में oxygen का concentration अधिक हो या oxygen ज्यादा घुला हुआ उसको कहेंगे oxygenated। और deoxygenated means जिसमें carbon का concentration अधिक हो उसे कहेंगे deoxygenated। But in case of excretion, रीनल आर्टरी कैरी इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड मीन्स मेनी टाइप्स ऑफ टॉक्सिक सबस्टेंस डिजॉल्व इन दैट पर्टिकुलर आर्टरियल ब्लड। इस आर्टरियल ब्लड में बहुत सारे टॉक्सिक सबस्टेंस डिजॉल्व होते हैं और फिल्ट्रेशन के बाद जब किडनी से वापस रीनल वेन में जो ब्लड वापस आता है तो उसमें उस पर्टिकुलर टॉक्सिकेंट का कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो चुका होता है क्योंकि किडनी के अंदर उसका फिल्ट्रेशन हो गया। और फिल्ट्रेशन होने के बाद अब इसमें जो ब्लड आता है उसको हम कहते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ब्लड। तो अगर क्वेश्चन कोई पूछे आपसे कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ब्लड किस वेन में ट्रेवल करता है तो उसको बताएंगे रीनल वेन, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस वेन में ट्रेवल करता है तो उसको आप बताएंगे पल्मोनरी वेन। और यह प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद यूरेटर के थ्रू यूरिन जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप डिपॉजिटेड इनसाइड द यूरिनरी ब्लैडर एंड आफ्टर कंप्लीट फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर द यूरिनरी ब्लैडर वॉल कॉन्ट्रैक्ट एंड डिपॉजिटेड यूरिन एक्सक्रीट आउट थ्रू ह्यूमन यूरिथ्रा फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। और जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उसमें डिपॉजिटेड यूरिन जो है यूरिथ्रा के थ्रू ह्यूमन बॉडी से बाहर निकल जाता है और यह जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन रहा। दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन प्लांट्स। Yeah.